हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ की केंद्रीय कार्यकारिणी की वर्चुअल बैठक मुख्य सलाहकार डॉक्टर संतलाल शर्मा की अध्यक्षता में हुई। बैठक में सभी जिला के पदाधिकारियों ने हिस्सा लिया और चिकित्सकों के हितों से जुड़े हुए ज्वलंत मुद्दों पर चर्चा हुई। सबसे पहले DDO अस्पताल शिमला में हुई आत्महत्या के मामले में मेडिकल सुपरिटेंडेंट, चिकित्सकों, स्टाफ नर्स और फार्मासिस्ट को दोषी ठहराने पर चिंता जताई गई। सभी का एक मत था कि अगर आत्महत्या जैसे दुखांत घटनाओं में भी अगर मेडिकल स्टाफ की गलती निकालकर उनको बलि का बकरा बना के उनके ऊपर गाज गिराई जाएगी तो ये कदाचित न्यायोचित नहीं है और इसे एक तरफा जांच करार देते हुए जांच पर असहमति जताई। संघ इस मामले की जांच किसी माननीय सेवारत न्यायाधीश या सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अगुवाई में करवाने की मांग करता है। बैठक में लिए गए निर्णयों के बारे में संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि सभी सदस्यों की सहमति के बाद संघ ने ये भी निर्णय किया कि DDO अस्पताल शिमला में हुई आत्महत्या के मामले में जांच रिपोर्ट पर कोई कानूनी सलाह या न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की जरूरत पड़ेगी तो संघ इस पर भी अमल करेगा। डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने बताया कि पिछले 6 महीनों से चिकित्सक व मेडिकल स्टाफ दिन रात लगाकर बिना किसी छुट्टी लिए इस पैंडेमिक में काम कर रहे हैं और इस समय भारी मानसिक दबाव में चल रहे हैं। उन्होंने कहा कि इस तरह की एक तरफा कार्रवाई न केवल उनके मनोबल के ऊपर एक चोट होगी बल्कि आने वाले नौजवान पीढ़ी को भी मेडिकल जैसे प्रोफेशन से विमुख करेगी। संघ के महासचिव डॉक्टर पुष्पेंद्र वर्मा ने कहा कि अनुबंधित चिकित्सकों जो कि कोरोना के इस महामारी में पिछले 6 महीनों से लगातार बिना छुट्टी लिए हुए और अपने परिवारों को खतरे में डालते हुए काम कर रहे हैं, उनकी वेतन का 22% काटना दुर्भाग्यपूर्ण है और सरकार की कथनी और करनी को उजागर कर रहा है। उन्होंने बताया कि संघ के प्रतिनिधि मंडल के मुख्यमंत्री, स्वास्थ्य मंत्री से मुलाकात के बाद सरकार ने दिशा निर्देश जारी किए कि किसी भी अनुबंधित चिकित्सा अधिकारी की ग्रेड पे इंसेंटिव को नहीं काटा जाए, लेकिन इन आदेशों के बाद जहां पहले पूरी सैलरी मिल रही थी अब वहां भी ये कटनी शुरू हो गई है। इससे ये प्रतीत होता है कि या तो सरकार हमारे चिकित्सकों के हितों के लिए गंभीर नहीं है या तो फिर अधिकारी सरकार के आदेशों का पालन नहीं कर रहे हैं। संघ ने इसमें निर्णय लिया कि इसमें कानूनी सलाह लेकर आगे की कार्रवाई की जाए और अगर जरूरत पड़ी तो संघ संघर्ष करने से भी पीछे नहीं हटेगा। इस बैठक में डॉक्टर ओमपाल शर्मा, डॉक्टर राजेश खन्ना, डॉक्टर प्रवीण चौहान, डॉक्टर दिलबाग ठाकुर, डॉक्टर मनोज ठाकुर, डॉक्टर सन्नी धीमान, डॉक्टर विशाल जम्बाल, डॉक्टर राहुल कतना, डॉक्टर पीयूष नंदा, डॉक्टर विजय राय और अन्य ने भी भाग लिया। आज हिमाचल प्रदेश मेडिकल अफसर संघ की वर्चुअल बैठक हुई केंद्रीय कार्यकारिणी की और उसमें जो है ज्वलंत जो मुद्दों पे चिकित्सकों के हितों के जो मुद्दे हैं उन पे जो है वो विचार विमर्श किया गया और सबसे बड़ा जो मुद्दा था वो था DDO आत्महत्या के मामले में हमारे जो डॉक्टर्स, नर्सिस और फार्मासिस्ट को जो है वो चार्जशीट करने की बात कही जा रही है। तो इसमें संघ का सभी का एक मत से ये निर्णय था कि अगर आत्महत्या जैसे मामलों में भी चिकित्सकों, स्टाफ नर्सिस और फार्मासिस्टों की ही गलती निकाली जाएगी तो ये बहुत ही एक गलत प्रथा है क्योंकि ये मनोबल को तोड़ने वाली है। इस पैंडेमिक में लगातार 6 महीनों से हमारे डॉक्टर, स्टाफ नर्सिस और फार्मासिस्ट जो हैं वो बिना छुट्टी लिए अपने परिवारों को खतरे में डालते हुए लगातार काम कर रहे हैं और अगर उनको इसी तरह का इनाम मिलेगा तो ये बहुत ही गलत है क्योंकि अगर आत्महत्या, इस एक आत्महत्या का दोषी अगर मेडिकल स्टाफ है तो जो प्रदेश में पिछले 5 महीनों के अंदर 570 के करीब आत्महत्याएं हुई हैं तो उनका जिम्मेवार कौन है, उसमें भी जांच बनती है तो उसकी जांच भी होनी चाहिए, संघ का ये मत था। और दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा जो ये था, हमारे नौजवान अनुबंधित चिकित्सा अधिकारियों का वेतन जो कि 22% काट लिया गया था उसके लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी से मिले थे, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से मिले थे, स्वास्थ्य सचिव से मिले थे और हमें आश्वासन देके उसके बाद लिखित में ऑर्डर निकाले गए। लेकिन ये बहुत ही हास्यास्पद कह लीजिए या दुर्भाग्यपूर्ण कह लीजिए कि लिखित ऑर्डर निकलने के बाद जिनकी सैलरी नहीं भी कट रही थी अब उनकी भी कट रही है। तो इसमें भी संघ का एक मत था कि अगर जल्द से जल्द इस महीने अगर हमारे बच्चों को 150% ग्रेड पे जो कि हर अनुबंधित कर्मचारी को मिल रहा है पूरे प्रदेश में नहीं दिया गया तो संघ जो है वो कानूनी कार्रवाई तो करेगा ही करेगा और बाकी जो संघर्ष हम कर सकते हैं
किसी भी तरह का वो हम उस पे करने से परहेज नहीं करेंगे, कोई गुरेज नहीं करेंगे। तो हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से यही गुजारिश है कि जल्द से जल्द इन बच्चों की सैलरी जो है, ग्रेड पे इंसेंटिव जो है वो डाला जाए, नीचे अधिकारियों को आदेश दिए जाएं। अब मुझे नहीं पता, आदेश तो एक बार पहले भी दिए गए थे लेकिन उन पे कोई कार्रवाई हुई नहीं, तो हम चाहते हैं कि उनको ग्रेड पे मिले। और इसके अलावा हमारी दूसरी प्रार्थना ये थी कि ये जो इंक्वायरी है DDO मामले की, वो किसी माननीय कार्यरत न्यायाधीश या किसी सेवानिवृत्त न्यायाधीश की अधीन जो है कमेटी बना के की जानी चाहिए।